हेलो एवरीवन, आई एम विवेक। वेलकम टू रैंकर जेई एडवांस। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई एडवांस पीवाईक्यूज के क्वेश्चन। ये एक सीरीज है, आपको भी पता है कि जेई एडवांस के लिए जो पीवाईक्यूज होती हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और यकीन मानो दोस्तों, अगर आप ये सारी सीरीज देख लेते हैं तो ऑर्गेनिक वैसे ही आपकी बहुत आसान लगने लगेगी। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, कुछ वीडियोज आपके शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स के आएंगे, जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और उनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और एक सीरीज चलेगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। और पीवाईक्यूज में हमारी प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी है जेई 2006 से जेई 2020 तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मैं आप लोगों को एक एक बताऊं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने जेई एडवांस 2006 के कुछ क्वेश्चन लिए हैं और आप भी कनेक्टेड होइए, क्योंकि बच्चों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर 42 इयर्स की जो प्रीवियस इयर्स की जो बुक आती है केमिस्ट्री की, अगर उसको किसी ने अच्छे से एनालाइज कर लिया तो जेई एडवांस के जो 36 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। कुल मिला के वो 6-7 क्वेश्चन की ही मारामारी रहती है, और वो भी थोड़ा थोड़ा तो ट्विस्टेड होता है, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं, आपके अपियरेंस वाइज। तो आप पीवाईक्यूज जरूर करें। पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस वही समझ सकता है जो आईआईटीएन है। और अगर आप आईआईटीएन बनना चाहते हैं तो आपको पीवाईक्यूज करना ही पड़ेगा। इसमें आप कल्टी नहीं मार सकते पतली गली से कि नहीं पीवाईक्यू हो जाएगा। अबे हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। ये पार्ट वन है, हम इसी सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसे हम पूरे टॉपिक से भी कनेक्टेड रहेंगे। व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, सबसे बड़ी बात तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स क्या है। तो बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है ये, ओके। आगे पढ़ते हैं, एन पायरा नाइट्रोफेनॉल और ट्रीटेड विथ NaHCO3। NaHCO3 कौन सी वाला है भाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये एक अनस्टेबल कार्बोनेट होता है, तुरंत डिकम्पोज हो जाता है। चलिए ये भी हो गया। ये क्या हमने बनाया, पायरा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल का तो नाम सुनते ही आपने टेंशन फ्री आ गए होंगे, सोच रहे होंगे सर अरे नाइट्रोफिनॉल है बे। देखो इधर NaHCO3, इसकी रिएक्शन कराने पे हमने कहा था कि ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो क्या बनेगा फिर प्रोडक्ट। तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले सॉल्ट बना लीजिए, क्योंकि ये एसिड्स है। तो ये हमने सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट बना दिया, और उसके बाद आपकी CO2 और वाटर ये रिलीज हो जाएगा, ओके। यहां पे देखते हैं, फेनॉल जो होता है बच्चों वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अगर उसमें हम ऐसे ग्रुप लगा दें जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं और कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड के कर दें, तो यहां पे एसिड बेस रिएक्शन हमारी हो जाएगी। तो ये आपका NaHCO3 अगर इस ये भी रिएक्शन कर जाएगा सिमिलर मैनर में, बस आपको ये चेंज करना है ये NO2, और यहाँ क्या लिखोगे ONA प्लस H2O और प्लस CO2। मतलब यहाँ पे भी बेचारा यही डिकम्पोज हुआ। ऑप्शन देखते हैं, द गैसेज रिलीज रिस्पेक्टिवली आर, तो दोनों केस में हमों को मालूम है क्या रिलीज हो रही है, CO2। क्या रिलीज हो रही है, CO2, जो नॉर्मली इंसान भी रिलीज करते रहते हैं। तो आंसर ढूंढो फिर कौन सा होगा, ढूंढो आंसर। तो कौन सा आंसर होगा भाई, ये है आंसर, ओके। आंसर नंबर लास्ट, ये एक आसान सा क्वेश्चन है जो सिंपली आपके ये ध्यान रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। और हाँ, ये अगर कोई बच्चा सोचे कि ये कैसे डिकम्पोज होगा, मान लीजिए इसी को हीटिंग इफेक्ट आ जाए, तो बेटा इसको हीट कर देना और बना देना सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, है ना, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से बच्चों ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, जिस साल हमने जेई दिया था 2006, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, आप भी इंजॉय करते रहिए। और ये 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एबव मेंशन अल्कोहल, ओके। तो ध्यान से देखिए, इन सबके डायग्राम बनाते हैं। तो पहले नंबर पे है 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना, नाम चेंज है, याद है इसको हम लोग बोलते क्या थे, बताओ बताओ। ये पहला है, दूसरा 1,3,
13 में क्या करेंगे, ये बेंजीन रिंग OH, यहाँ OH, देखता हूँ किसी को क्लिक करता है कि नहीं। अबे क्लिक तो करा ले भाई, OH, OH, अभी तक क्लिक नहीं किया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इन्होंने फेनॉल को ही हाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम दे दिया है। ठीक है भैया, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये कौन है, टू है, ओके। अरे इसको यार हम लोग बोलते थे रिसोर्सिनॉल, ये कैटिकॉल, ये क्विनॉल, और ये अपना सबसे प्यारा फेनॉल। अब इनकी बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। तो बच्चों ये क्या होते हैं, पानी में जैसे ही जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे ये तीनों बना सकते हैं, घटिया ये होगा तो फोर्थ तो सबसे कम हो जाएगा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो। तो फोर्थ देख लीजिए सबसे कम किस में है, तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो चुका है, बी ऑप्शन रिजेक्ट हो चुका है। अब बचा सी और डी की लड़ाई चल रही है सर, इन तीनों में बाजी कौन मारेगा, तो हम लोगों को मालूम है बच्चों थर्ड, चूंकि इसमें इन ध्यान से सुनना, इंटर मॉलिकुलर, इंट्रा नहीं बोल रहा हूँ, इंटर बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा मॉलिकुल्स वाटर के अटैच होंगे, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी। तो आप कहोगे फोर्थ इधर, थर्ड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, थर्ड। अब इन्होंने मतलब IIT JEE है बेटा, JEE मेन नहीं है, JEE मेन रहता इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो गया रहता, ये क्या करेगा, लटकाएगा अभी आपको इसमें। अब मतलब कह रहा है कि आप इसमें तो चेक करके बता दो भाई। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कहोगे कि सर यही लॉजिक यहाँ अपना लेते हैं, दूर दूर है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का अटैचमेंट ज़्यादा होगा, ओके, तो ये बेचारा जीत जाएगा इसके कंपैरिजन में, ख़त्म। अब ये ढूंढ लो 4, 1, 2, 3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हमने 4, 1, 2, 3, ऑप्शन जो भी हो, ऑप्शन तो आप कर ही लेंगे, तो आंसर इज सी ऑप्शन। तो ये आपके सिंपल बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आराम से आप कर सकते हैं, और इनके भाई साहब को कॉमन नेम भी याद रखिएगा, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट CH3, ये आपका, इसको बोलते हैं हम लोग NOCl का एक प्यारा सा नाम होता है, और मुझे उम्मीद है अभी तक आप बोल नहीं पाए होंगे क्या होता है बताओ। यस सही कहा आपने, टिल्डन्स रिएजेंट, इसको बोलते हैं हम लोग टिल्डन्स रिएजेंट प्यार से, और ये डिकम्पोज होता जा है, ये कैसे डिकम्पोज होगा, NO प्लस और Cl आयन, इसमें भी सस्पेंस है बच्चों को, देखो सस्पेंस गायब करो, ये इस तरह से रहता है, ओके। तो इनके लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये हमारा जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, ओके। तो ये हमारा NO प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ब्रेक होता है, और ये मार्कोनिकाफ एडिशन चलता है एट एल्कीन, मार्कोनिकाफ समझते हो। अब एक कह रहा है पीछे वाला कि सर ये कौन सी वाला आपने बता दी, मार्कोनिकाफ एडिशन, अबे बचपन में पढ़ाया जाता था, अबे जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, वैसे मार्कोनिकाफ एंटी मार्कोनिकाफ आजकल टाइम पास है ना, लेकिन कहीं कहीं हम लोग नाम के लिए तो यूज कर ही लेते हैं, भाई उसने आइडिया दिया इतना। तो क्या करोगे, Cl आयन को यहां अटैच करोगे और NO प्लस को यहां, कर दो यार, टेंशन किस बात की। तो यहां हमने Cl को अटैच कर दिया और यहां NO को अटैच कर दिया और हमारा गेम हो गया। अब ढूंढिए ऑप्शन कहां है, ये ढूंढिए बेटा, ढूंढ लो ढूंढ लो, ये तो रिजेक्ट हुआ, ये रिजेक्ट हुआ, ये रिजेक्ट हुआ, कहोगे कि सर आंसर इज ए ऑप्शन, बस इतना ही है, टिल्डन्स रिएजेंट, याद रखना टिल्डन्स रिएजेंट, मैं बोलूंगा तो भूलोगे तो नहीं ना, भूल जाओगे, अबे भूलोगे तो उठा के पटक देंगे, ध्यान रखना बेटा, अच्छा करना है ना तो लगिए, ठीक है ना, ऐसे केवल मत सोचिए, ये आप आराम से कर सकते। आप देखिए IPAC से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, IUPAC रिलेटेड, ये क्या है, बेंजीन है, उसके बाद क्या लिखा है बेटा, कार्बोनिल, और ये क्या है, Cl, तो इसका IPAC नेम लिखना है, सिंगल चॉइस में ये सब क्वेश्चंस आए थे, तो दिस इज बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, है ना, ये IPAC नाम है, बेंजाइल क्लोराइड तो हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं। अगर इसका मैं कॉमन नेम लिखूं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं कॉमन नेम, तो आप कहोगे सर बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड, है ना बच्चों, ये जो IPAC नेमिंग होती है, IPAC नेमिंग, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले नंबर पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं,
दूसरे पे सल्फोनिक एसिड को, तीसरे पे एनहाइड्राइड को, चौथे पे एस्टर को, पांचवे पे एमाइड को, छठवें पे हैलाइड्स को, सातवें पे साइनाइड्स को, आठवें पे आइसोसाइनाइड्स को, नौवें पे एल्डिहाइड को, दसवें पे कीटोन, ग्यारहवें पे अपना सबसे प्यारा एल्कोहल, और बारहवें पे थायोल, तेरहवें पे बोलो एमाइंस, चौदहवें पे डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और भी आते हैं लेकिन ये हमारे इंपॉर्टेंट है, तो उसी ऑर्डर में है ना। ये हमारा कार्बोनिल क्लोराइड होता है, जब भी रिंग से बाहर हो तो ये बेंजीन, ये कार्बोनिल क्लोराइड, अदरवाइज ये अगर कार्बन अगर हमने काउंट कर लिया मेन फंक्शनल ग्रुप में तो अब कार्बोनिल क्लोराइड होगा, तो यहां तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, मेरे क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं कि अगला क्वेश्चन है क्या, एक प्राइमरी एमीन है और ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म KOH, क्लोरोफॉर्म KOH क्या होता है भाई, तो कहोगे कि सर क्लोरोफॉर्म KOH जो होता है ना ये हमारा कार्बीन जनरेटर है, क्या है बताओ, कार्बीन जनरेटर, मतलब ये कार्बीन प्रोड्यूस करता है, और कैसे करता है, तो ये करता है बच्चों इसकी रिएक्शन पहले लिखते हैं, अगर डिटेल में जाएं तो पहले H2O होता है, फिर KCl रिलीज हो जाता है और एक कार्बीन बनता है जिसको कहते हैं डाई क्लोरो कार्बीन, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, ऐसे दिखाते हैं इसको, और ये हम लोगों को दो जगह रिएक्शन दिखती है, एक अपनी सबसे प्यारी राइमोडाइमन रिएक्शन और दूसरी कार्बाइलेमाइन रिएक्शन जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो हम लोगों को मालूम है बच्चों कि कोई भी प्राइमरी एमाइन हो अगर हमने CHCl3 और प्लस KOH के साथ रिएक्शन कर दी तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है आइसोसाइनाइड फॉल स्मेलिंग प्रोडक्ट, और प्लस आपके ये तो है ही KCl और H2O, ओके। तो इसमें इसको अगर हम लोग लिखें, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हैं तो हम लोगों को मालूम है बच्चों कि ये लिख देते हैं ना, जिधर एरो रहता है उधर माइनस और जिधर से एरो रहता है उधर प्लस। तो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन सा होगा, ढूंढो आंसर, साइनाइड, नो नो, अब देख लो कौन सा है, ये देख लो बेटा, ये देखो गलती करा सकता है, ये आंसर नंबर लास्ट, और इसको बोलते हैं फॉल स्पेलिंग टाइप का होता है, ये क्या होता है बताओ, फॉल स्मेलिंग। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, क्योंकि मैंने इतने ही एंड हो गए अब स्लाइड, तो इस तरह के हम आपको शॉर्ट वीडियोस लाते रहेंगे पी वाइज ग्यूज के कंसेप्ट के, बस आप हमारे साथ बने रहिए और मजे लेते रहिए यार, जाओ IIT, हरियाली बहुत मिलेंगी आपके, इंतजार कर रही हैं, टेंशन नहीं लेने का, इधर उधर नहीं देखने का। तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए एक बार रिकॉल करें, ध्यान से देखो, सबसे पहले ये आपका बाइकार्बोनेट वाला क्वेश्चन दिमाग में आ जाना चाहिए, कभी गलती से आ गया तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, उसके बाद डिस्कस किए हम लोग टिल्डन्स रिएजेंट, फिर आईपैक नेमिंग, और लास्ट आइसोसाइनाइड टेस्ट, मतलब ये 11 क्वेश्चन में देख ही रहे हो ना, ऑर्गेनिक के बेटे बेटे आप मान के चलिए कि जो ऑर्गेनिक होती है उसकी 30-35% वेटेज रहता है, एग्जैक्टली अगर बात करें तो 35, 30, 35, 40, ये है आपका क्लासिफिकेशन, 30 इनऑर्गेनिक, 35 ऑर्गेनिक और 40 आपका फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए कंसेप्ट के साथ, गुड लक।